चले। हिमाचल प्रदेश में बारिश की रफ्तार अब धीमी पड़ रही है, लेकिन आफत कम होने का नाम नहीं ले रही है। लैंडस्लाइड की वजह से एक बार फिर कालका परमाणु शिमला हाईवे अवरुद्ध हो गया है। आलम यह है कि भूस्खलन के कारण हाईवे का करीब 40 मीटर हिस्सा ही गायब हो गया। हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। आपको बता दें कि चंद रोज पहले ही हमने इस बात का खुलासा भी किया था कि कालका शिमला हाईवे पर सफर रिस्की है। भूस्खलन इतना ज़्यादा है कि सड़क को दुरुस्त करने में लंबा वक्त लग सकता है। जब तक हाईवे को बहाल नहीं किया जाता, तब तक सोलन पुलिस ने वैकल्पिक सड़क मार्ग के इस्तेमाल की अपील की है। नमस्कार, सभी जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि पिछले कुछ दिनों में भारी वर्षा के कारण परमाणु क्षेत्र के चक्की मोड़ पर लैंडस्लाइड से सड़क को काफ़ी डैमेज हो गया है। जो नेशनल हाईवे चंडीगढ़ से शिमला जोड़ता है, उसका यह हिस्सा काफ़ी बुरी तरह से डैमेज है, जिसको रिपेयर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसके लिए अल्टरनेटिव ट्रैफिक प्लान सोलन पुलिस ने अपने फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से अपलोड किया है। शिमला से चंडीगढ़ की तरफ जाने वाले लोगों से निवेदन है कि जो हैवी व्हीकल्स हैं वो शिमला से कुनिहार पिंजौर रोड के थ्रू जा सकते हैं, और जो लाइट व्हीकल्स हैं और बसेस हैं वो कुमारहट्टी से नाहन वाले रोड पर जा सकते हैं। इनमें जो लाइट व्हीकल्स हैं वो जौहर जी से कामली वाले रोड के थ्रू भी परवाणु तक जा सकते हैं। इसके अलावा परवाणु से शिमला की तरफ जाने वाले लोगों से निवेदन है कि परवाणु में जो हैवी व्हीकल्स हैं उनको अभी कुछ समय के लिए वहीं रोका जाएगा, और जो लाइट व्हीकल्स हैं, जो सब्जी और असेंशियल सप्लाईज के पिकअप्स हैं, इनको परवाणु से कसौली और धर्मपुर होकर सोलन और शिमला के लिए आगे भेजा जाएगा। इन सब में थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन आप ट्रैफिक जाम से बच सकते हैं। आपका सहयोग वांछनीय है। आपको बता दें कि देश की राजधानी को शिमला से जोड़ने वाला ये हाईवे पहले भी अवरुद्ध हो गया था। फोर लेन का निर्माण कर रही कंपनी को भी पहाड़ों की गलत कटिंग का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।